नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भागवत बोले, मदर टेरेसा की सेवा के पीछे धर्मांतरण था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मदर टेरेसा की गरीबों की सेवा के पीछे का मुख्य उद्देश्य लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण करना था। गैर सरकारी संगठन अपना घर की ओर से आयोजित समारोह में भागवत ने कहा कि मदर टेरेसा की सेवा अच्छी रही होगी, परंतु इसमें एक उद्देश्य हुआ करता था, जिसकी सेवा की जा रही है उसका ईसाई धर्म में धर्मांतरण किया जाए। इस पर हंगामा होने के आसार देखते हुए बाद में आरएसएस ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि मीडिया ने गलत तरीके से रिपोर्ट किया और भागवत ने केवल पूर्व बीएसएफ डीजी की टिप्पणियों का जवाब दिया था। नेताओं को मिले टोल टैक्स से छूट। गुजरात में एक टोल बूथ कर्मी को बंदूक दिखाने के विवाद से चर्चा में आए भाजपा सांसद विट्ठल रडाडिया का सुझाव है कि निर्वाचित नेताओं को टोल टैक्स अदा करने से छूट प्रदान की जानी चाहिए। रडाडिया ने कहा कि टोल बूथ पर निर्वाचित नेताओं को रोकने से उनके काम में देरी होती है और यह उनके विशेषाधिकार का भी मामला है। उन्होंने कहा कि सांसदों की तरह सरपंच को भी सभी तरह के विशेष अधिकार मिलने चाहिए। जब एक गांव के सरपंच को सूरत आना होता है तो उसे 10 टोल बूथ पार करने होते हैं, जिससे उसके काम में देरी हो जाती है, क्योंकि उसे 10 बूथों पर टोल अदा करना होता है। कोई भी व्यक्ति जो चुनाव जीते उसे विशेष अधिकार मिलने ही चाहिए। जासूसी मामले में रक्षा मंत्रालय का कर्मचारी गिरफ्तार। पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी मामले की आज अब रक्षा मंत्रालय तक पहुंच गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने रक्षा मंत्रालय के एक कर्मचारी को इस मामले में हिरासत में ले लिया है। पुलिस इस कर्मचारी से पूछताछ कर रही है। वीरेंद्र रक्षा मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। वीरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दस्तावेज लीक करने के मामले में रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं।